की। ये जो अपना स्टिकर बना है स्टिकर बना है ना, ब्रह्मा कुमारी बताए नहीं तो हम बताएंगे। इसमें जो 8 पॉइंट आया हुआ है तो इसको स्टिकर बांटना है और बैनर भी लग चुके हैं, तो इसका क्लैरिफिकेशन बाबा और एक बार आप बताएंगे ना। परीक्षा होती है तो परीक्षा के प्रश्न पत्र ऊपर से आते हैं या नीचे से आते हैं? ऊपर से परीक्षा के प्रश्न पत्र आते हैं। और स्टूडेंट बैठ कहें टीचर से कि हमको समझाओ, तो परीक्षा कही जाएगी है? आज भी परीक्षा की बात तो आई ना। हाँ, एग्जाम के पहले टीचर क्या करते हैं, बच्चों को समझाते हैं ना? समझाया नहीं अभी तक। जब एग्जाम आता है प्रश्नों का, प्रश्नों की फहरिस्त आ जाती है सामने, तब समझाए बैठ के। अभी तक यार लोढ़े मारते रहे। बीड़ा उठाया है तो अब पता चलेगा कौन कौन बीड़ा उठाने वाले हैं, कौन कौन घस्से मारने वाले हैं। ऐसे थोड़े ही कि बेसिक वालों की परीक्षा है कि कौन कौन बाहुबली है और कौन कौन योगबली है। परीक्षा तो सभी ब्राह्मणों की है। हाँ जी, पूरा दुनिया जानती है कि ये भगवान निराकार है। हाँ, तो ये कृष्ण को हम निराकार नहीं होते साकार में है तो उसको भगवान क्यों मानते? निराकार न होते तो साकार में है तो भगवान क्यों मानते? वो साकार को भगवान क्यों मानते? निराकार तो भगवान है। हाँ, आधे से ज्यादा दुनिया जानती है। निराकार भगवान तो है लेकिन निराकार एक है, ये कैसे पता चले? आज भी तो मुरली में ये इशारा दिया, निराकार एक है ये कैसे पता चलेगा? जब तक एक में प्रत्यक्ष नहीं होगा, एक में, एक पर्सनालिटी में, एक व्यक्तित्व में प्रत्यक्ष होगा तभी तो पता चलेगा। डुबाने वाले समझते हैं कि गणेश भगवान नहीं है, डुबाने के बाद भी समझते हैं क्या वो भक्त लोग कि गणेश भगवान नहीं है? अरे डुबाने के बाद तो समझ में आ जाना चाहिए कि जरूर असली भगवान प्रत्यक्ष हुआ होगा, तब नकली भगवान को डुबो ही दिया है। परीक्षा की बनत तो बेसिक वालों को भी लग चुकी है। है? परीक्षा की बनत तो बेसिक वालों को भी लग चुकी है। बनत लग चुकी है, अभी शुरू नहीं हुई उनकी परीक्षा। वो बोलते तो कहें ये कब से है, जब से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खुला है तब से बोलते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है, शिव बाबा है, ऐसे ही तो बोलते हैं। बेसिकली उसका क्लेरिफिकेशन भी चित्रों में देते हैं। टैली करने के लिए दोनों प्रकार के चित्र बना के रखते हैं, गीता का भगवान कौन, साकार कृष्ण, कृष्ण का चित्र बनाए देते हैं, और दूसरी ओर निराकार शिवलिंग का चित्र बनाए देते हैं।
परंतु बनाने वालों को ये पता थोड़े ही है कि जो निराकार शिवलिंग है उसमें साकार और निराकार दोनों का चित्र समाया हुआ है। तो जो बात वो नहीं समझा सकते हैं वो बात एडवांस में आने वालों को समझाना चाहिए ना। एडवांस वाले भी पूछते हैं है जो रिस्ट विंग के प्रति एक सेवा जताई है, जो रिस्ट विंग के प्रति सेवा जताई है गीता का भगवान को सिद्ध करने का, वो जुरिस्ट बच्चे कौन है बाहर की दुनिया में है? जुरिस्ट बच्चे बाहर की दुनिया वाले बाप को प्रत्यक्ष करेंगे जो भक्ति मार्ग को ही अपनाते चले आ रहे हैं, भक्ति मार्ग के ही धक्के खा रहे हैं, वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे? ये तो ब्राह्मणों की दुनिया के जुरिस्ट हैं जो फैसला कर लेते हैं क्या राइट है क्या रंग है। वो जुरिस्ट तो ऐसे ही आज की कलयुगी दुनिया के हैं, बाबा तो उनको हज्जाम बता दिया। महीनों वर्षों हो जाते हैं, बीसियों वर्ष गुजर जाते हैं और फैसला नहीं हो पाता। या तो बाप को ऐसा जुरिस्ट बिंग चाहिए एक सेकंड में सुनने से ही समझ कर कर फैसला कर दे राइट क्या है रंग क्या है। कैसे गीता का भगवान साकार है कैसे निराकार है या नहीं है। और उनका प्लान ही क्या होगा किनका उनका तो प्लान हो या न हो लेकिन बाबा का तो प्लान है। तो बच्चे बाबा से प्लान है ना कुछ आइडिया। अजय जो आइडिया ऊपर से आया है सो करो। किस तरह समझाना है आपने कैसे समझ लिया? आप पहले समझते थे क्या? जैसे आप समझते नहीं थे फिर आपने समझ लिया। आज तो बाबा ने कहा ना ये चैतन्य सेंटर बन जावेंगे, समझने वाले ढेर के ढेर निकलेंगे, तुमको टाइम ही नहीं मिलेगा, खाना खाने का भी टाइम नहीं देंगे। तो सेंटर खोल के समझावेंगे नहीं, बाप का परिचय नहीं देवेंगे। ए? जैसे लिया है वैसे देना है, या तो ये कहो हमने नहीं लिया है, कहो कैसे कहेंगे? निश्चय पत्र जो लिख के दिया स्टाम्प पेपर पर, और शिव के साथ राम का नाम जोड़ा जाता है शिव राम, लेकिन दुनिया में अभी तक किसी का नाम शिव कृष्ण ऐसा रखा नहीं गया। इससे भी समझाने के लिए आसान हो जाता है। क्या आसान हो जाता है? निराकार के साथ कृष्ण की जोड़ी नहीं जमती है, लेकिन राम बाप की जोड़ी निराकार शिव बाप के साथ करके नाम प्रचलित भी है। हाँ जी हाँ समझाना चाहिए कि राम बाप को कहा जाता है कि राम ही एक ऐसी आत्मा है जो साकार होने के बावजूद भी, साकारी जन्म सबसे जास्ती लेने के बावजूद भी, सबसे जास्ती निराकारी स्टेज में टिकती है।
जैसे बाप निराकार निराकार है, ऐसे राम वाली आत्मा भी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी की स्टेज प्राप्त कर लेती है। इसलिए शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। ये शंकर है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये कौन से युग की बातें हैं? संगम युग की ही बातें हैं। संगम युग के नाम हैं और संगम युग के ही काम हैं। उनके काम के आधार पर इनको रूप दिया गया है, चित्र बनाए गए हैं। संगम में नाम है ब्रह्मा और भक्ति मार्ग में नाम है कृष्ण। संगम में नाम है शंकर और भक्ति मार्ग में नाम है राम। ये त्रिमूर्ति बनती है। दोनों के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन उनकी सहयोगिनी शक्तियों सहित विष्णु फरिश्ता का रूप दिखाया जाता है। ये स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन भी यही होता है। ऐसे नहीं सतयुग त्रेता में होता है। सतयुग और त्रेता में, द्वापर और कलयुग में तो स्वभाव संस्कार टकराते टकराते अंत में सब एक दूसरे से विपरीत बन जाते हैं। गीता की 108 टीकाएं हो चुकी है और ब्रह्मा कुमार फिर वही राम रहना जो ऊपर से प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का समाधान खुद करो। या तो ये कहो कि हमको ये कभी समझाया ही नहीं गया। नहीं बाबा, अब समझाया गया। जब समझाया गया है तो अब जब प्रश्न पत्र आ गया सामने तो बैठ करके पूछने की क्या दरकार है? हमको अभी थोड़ा सार रूप में समझाना है तो वो किस तरीके से? जब जबरदस्ती काम कराया जाता है तभी करना होता है। पहले से बाबा कहते हैं मनन चिंतन मंथन करो, वो नहीं हो सकता क्या? है तो आप क्यों पूछ रहे? बाकी हाँ घुमा फिरा के पूछ लो। किसी और से तो नहीं पूछे? नहीं नहीं, हाँ टीचर से ही पूछो। लेकिन ये टीचर जो है कलयुगी टीचर है, परीक्षा के दिनों में बच्चों को प्रश्न पत्र बताते हैं, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, धीरे से कान में बता देते हैं। ये शूटिंग करनी है फिर? है? अरे बाबा ही तो टीचर बनता है और कौन बनता है? आजकल रोज की मुरली में रोज इशारे आ रहे हैं। कोई न कोई नया पॉइंट पकड़ कर दे देते हैं। परीक्षा के दिनों में तो पढ़ाई के और ही तीखे वाइब्रेशन चलते हैं।
और कोई बात? आठ प्रश्न पत्रों के अलावा अरे आगे अभी और आवेंगे, अभी से ही पधरौनी हो गई। ये वार्तालाप भी कैसे ब्रह्मा कुमारी के पास पहुँचे, इनका ये हाल है। ये अपने को एडवांस का कहते हैं। हाँ, जैसे महाभारत में कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम इनको जो मारोगे, ये तुम्हारे जो रिश्तेदार है समझो ब्राह्मणों की दुनिया में, ये पहले ही मरे पड़े हैं। अगर भगवान हमारे साथ है तो उसकी याद में हम जो ब्राह्मणों की दुनिया में हमारे रिश्तेदार मरे पड़े, हाँ जो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में पैसिफिक दुनिया में है, सामने आने वाले हैं, वो ऑलरेडी देवबान में मरे पड़े हैं। हमको तो बाबा का सहारा मिला है, बाबा की याद में सिर्फ उनको बाण मारने के आगे तो हमारी विजय हुई पड़ी हुई है। इसलिए हमको ये मना इस तरह समझाए कि जो हम किस तरह उनको बाण मारे। अरे ये बाण मारना ही तो समझाना है। वाह भाई, अरे बाण अर्जुन मारेगा या भगवान मारेगा? अब लड़ाई शुरू हो गई तो लड़ाई में अर्जुन को बाण चलाना है या भगवान को बाण चलाने? भगवान तो कह दिया मैं नहीं लड़ूंगा, दोनों हाथ उठा दिए। ठीक है, लेकिन वो अर्जुन को ये बताया गया ना है दिव्यास्त्र चलाना है, ये है अर्जुन को तो बोला गया था ना दिव्यास्त्र चलाना है या स्थूलास्त्र चलाना है। जो भी चलाओ, तुम्हारे पास जो हो सो चलाओ। इसमें तो आप मैंने भगवान से ही लेना है। सुनाता हूँ वो कर, है मैं जो सुनाता हूँ वो कर। वो तो सुन, कह नहीं, अब वो नहीं कहेगा। मैं जो सुनाता हूँ सो सुन, सो तो सुन लिया ना, वो तो साक्षात्कार भी कर लिया ना, या तो लिख करके दो, हमने साक्षात्कार नहीं किया। अरे जो सुनाया सो सुन भी लिया, साक्षात्कार भी कर लिया। बाबा ये जो आठ प्रश्न है उसमें जो तुम्हें ब्रह्मा कुमारी बताओ रहे तो हम बताएंगे। हाँ, ये बहुत मतलब बहुत अच्छी बात है कि जो वो हिल रहे पूरे पूरा पूरा, मतलब कौन हिल रहे? ब्रह्मा कुमारी और उन्होंने पूरे बैनर निकाल के गायब कर दिए। हाँ, तो चार गायब कर दिए। हाँ, और चोरी चुप से काम कर रहे हम लोग सिक्योरिटी रखने के बाद ही। हाँ, तो सामने से आएंगे तो हम जवाब तो बताएंगे, उसमें तो सवाल नहीं आता। तो ये क्या कर रहे हैं? परीक्षा का टाइम वही रहेगा जब उन लोग का फोन आएगा। देखो अभी हम लोग को प्रिपरेशन कर रहा है ना परीक्षा के लिए। हाँ हाँ, तो प्रिपरेशन में थोड़ी टीचर प्रिपरेशन से पहले छुट्टी दे दी जाती है टीचर का पढ़ाई बंद। मोहिंट रोज की मुरली में अभी भी आ रहे हैं। जो सन्मुख की रोज की मुरली है उसमें वो हिंट अभी भी आ रहे हैं। लेकिन अभी बाबा प्रैक्टिकल में आ रहे हैं। क्या कहते हैं ना, तो थोड़ा सा बहुत बता दिया ना, जब परीक्षा होती है तब प्रश्न पत्र नहीं पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछो। भारत को आजाद करने के लिए हाँ दो ग्रुप इसमें बने, एक एक ठंडा एक शांत ग्रुप, एक गर्म ग्रुप। हाँ, ऐसे जो बेहद में जो भारत को आजाद करने के लिए हमें एक ग्रुप से काम से कबूल होना पड़ेगा। हाँ, एक योगियों का, एक भोगियों का, एक बाहुबलियों का और एक योग बलियों का। हाँ, दो ग्रुप हैं। तो दो ग्रुप में बाहुबली कौन होगी? और ये बाहुबल जो बाहुबल चलाए हैं, जो धन कमाया जाता है वो बाहुबल से कमाया जाता है या ईश्वरीय ज्ञान से कमाया जाता है? हैं, बाहुबल से कमाया जाता है।
तो धन की ताकत दिखाना, नोटों की गड्डियां पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, अखबार वालों और टीवियों के सामने फेंक दी जाए और फिर युद्ध किया जाए, निर्दोषों को जेल में डाल दिया जाए, वो बाहुबल का युद्ध है या योगबल का युद्ध है? बाहुबल का युद्ध है। बाहुबल वाले तो मदद करना चाहते ही नहीं बाप है, बाहुबल वाले जो है तो भारत मदद करना चाहते ही नहीं। बाहुबल वाले न बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे और न बाप की विश्व की बात चाहिए ले सकेंगे। लेकिन योग बल वाले तो मतलब जीतने वाले हैं ना। हाँ, तो जिताने वाला भी तो बाप ही हो है ना। हाँ, हाँ? आपने क्या समझा? हमने तो वही समझा है, बाप ने बाप ही जिताने वाला है। हाँ, तो बाप क्या अभी तक हराने का काम करता आया? लेकिन बाप से ही तो हम राय पूछ रहे हैं। बाप से राय पूछ रहे? जब परीक्षा होती है तब राय पूछी जाती है। परीक्षा तो आगे है, इम्तिहान तो आगे है। इम्तिहान आगे है, बोर्डिंग बोर्ड अभी लगा दिए, इम्तिहान आगे है। लेकिन अभी इम्तिहान पेपर नहीं आया, बोर्ड लगाने की जल्दी पड़ गई। हाँ, चंद्रमा को दिखाया है, शंकर के मस्तक में चंद्रमा को दिखाया है। हाँ, और अष्टदेव के रूप में मन को भी दिखाया हुआ है, आठ मणके दिखाई, आठ मणके दिखाए। हाँ, उसके ऊपर गंगा को जटाओं में दिखाया है शंकर के। हाँ, तो उसका राज क्या है कि वो जटाओं में जा गंगा को दिखाया है, जो मुख दिखाया हुआ है। हाँ, तो क्या राज? वो आठ मणकों से घिरी हुई है और शंकर के मस्तक पर गंगा भी है सर के ऊपर, और अष्ट मणके भी बैठे हुए हैं। इसका राज ये है कि जो बच्चे बहुत सर्विसेबल होते हैं उनको बाप सर माथे पर रखते हैं, यही बच्चे दुकान चलाने वाले हैं। ये बच्चे हैं तो कुल का नाम बाला होना है बाप का, ये बच्चे न होते तो कुल का नाम बाला भी नहीं हो पाता। इसलिए गंगा को भी सर पर चढ़ाया हुआ है, जरूर वो गंगा कुमारी है। और ज्ञान को धारण किया हुआ है, पहले पहले सत्वप्रधान स्टेज में धारण किया हुआ है। कुछ आत्माएं हैं जो बाद में आती हैं और कुछ आत्माएं हैं जो पहले आती हैं। ब्रह्मा को भी साक्षात्कार हुए, साक्षात्कारों की बात उन्होंने इधर उधर फैलाई, तो पहले पहले कहां गए? हैं? वाराणसी में गुरुओं के पास गए, दो चार दिन नहीं बैठे, महीनों वहां बैठे, तो अपने दिल की बात कुछ वहां बताई होगी कि नहीं बताई होगी? तो बीज वहीं से पड़ जाता है। वो पवित्र आत्माओं की बुद्धि में जब बीज पड़ता है तो जरूर वो फलीभूत होगा। और गंगा कौन से शहर में ज्यादा प्रसिद्ध है? है? कहा? प्रदेश में तो प्रसिद्ध है, लेकिन प्रदेश में भी वो शहर कौन सा है जहां ज्यादा प्रसिद्ध है? वाराणसी, वरुणा नदी और असी माने तलवार, जहां पहुंच करके वरुणा नदी से मिलने के बाद गंगा तलवार का रूप धारण कर लेती है।
तीखी ज्ञान की धार वाली तलवार बन जाती है। तो वरुण है, ज्ञान जल का देवता है, ज्ञान बुद्धि में पढ़ने मात्र से ही प्रत्यक्ष होने लग पड़ती है। और सन्यासियों में प्योरिटी की पावर तो है ही है, इसलिए मुरली में बोला है जब ये सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। रुद्रमाला में भी हर धर्म के बच्चे हैं, तो सन्यासियों का भी ग्रुप होगा। उन सन्यासियों के ग्रुप में मुख्य कौन है? गंगा। पतित पावन कहा जाता है उनको, जो परम पिता परमात्मा है। परम पिता परमात्मा पवित्र में आते हैं या अपवित्र में आते हैं? अपवित्र में आकर के प्रत्यक्ष होते हैं, साकार बनते हैं। अपवित्र में आकर के अपवित्रों का संग करते हैं, इसलिए उनको नागबलाएं दिखाई जाते हैं। वो संगी साथी हैं, जो संगी साथी बनते हैं, बहुत संग करते हैं, चाहे नागवालाओं के रूप में दिखा दो, चाहे रामायण में हाँ बंदरों के रूप में दिखा दो, वो भी विकारों के सूचक है। और बंदर भी सबसे ज्यादा विकारी जानवर। तो पतितों के बीच में ही आना है, पतितों को ही पावन बनाना है, इसलिए है तो भगवान ही पतित पावन, लेकिन राज अनुदा हुआ है कि पतित पतित को पावन नहीं बना सकता। स्त्रियां ज्यादा पतित होती हैं भारत की या भारत के पुरुष ज्यादा पतित बनते हैं? है? पुरुषों को टाइटल दिया है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। अब वो पुरुष चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शंकर हो, चाहे कोई एक्स वाई जेड कोई भी हो, वो सब क्या है? पुरुष हैं या स्त्री हैं? पुरुष हैं, सब पतित हैं। वो पतितों को पावन नहीं बना सकते, परंतु वही पतित में आए हुए परमपिता परमात्मा निराकार का ज्ञान रुद्रमाला की कुमारी को मिलता है, पहले पहले सतोप्रधान ज्ञान मिलता है। कुमारी भी सतोप्रधान और ज्ञान भी सात्विक स्टेज वाला, तो फल अच्छा निकलेगा या खराब निकलेगा? अच्छा ही फल निकलेगा, भले तुरंत फल न दे, लेकिन जब भी फल निकलता है आदि में सो अंत में, अंत में वो ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष होती है। इन सन्यासियों के निकलने पर तुम बच्चों का नाम बाला हो जाएगा। तुम बच्चों में नंबर वार हैं या सब एक जैसे हैं? अब्बल नंबर फिर कौन है? जब शिव बाबा कहते हैं तुम बच्चे, तो कोई अब्बल नंबर बच्चे पर भी नजर रहती होगी। कौन है? राम या शंकर बच्चा?
तुम्हारी विजय हो जाएगी, इसका मतलब अभी तक हार होती है। कब तक हार होती है? जब तक अपने बल पर है, समझते हैं कि हम बड़ा कारोबार संभालने वाले। लेकिन बाबा तो बता दिया किसको आगे करना है, कन्याओं माताओं को आगे करना है। जोग में तो रहती है, लेकिन दुर्योधन तो शासन है या जोग जोगनी है? हाँ? हाँ? नहीं, बहरी है, सुनती कहाँ है। वो दुर्योधन दुशासन पहना उसको बहरा बनाए देता है। जिनके अंदर दुर्योधन दुशासन पना होता है वो ज्ञान सुनते हुए भी बहरे होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं ना? हैं? होते हैं? नहीं होते हैं? जिनके अंदर दुर्योधन दुशासन वृत्ति भरी हुई है वो ज्ञान सुनते हुए भी बहरे होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। कोई 1%, कोई 100%। बाकी कन्याओं माताओं के लिए ऐसे नहीं कहा तुम सब दुर्योधन दुशासन हो। हाँ, ये बोला कोई कोई सूपन खाए पूतनाएं होती है। तो कन्याओं माताओं से ही ये आशा की जाती है कि वो नाम बाला करके दिखावे। तो जो कन्या रुद्रमाला की नाम बाला करने में आगे जाती है उसको उठाकर सर के ऊपर चढ़ाई लेते हैं। इसलिए बल शिव बाबा तो कहते हैं कि पतित पावन तो एक ही है, वो पर्सनालिटी भी एक ही है, लेकिन भक्त लोग इस बात को नहीं मानेंगे। वो क्या मानेंगे? हैं? पतित पावन ही गंगा। प्रैक्टिकल जो करके दिखावे सो दुनिया मानेगी या तुम्हारी ज्ञान की काय काय मानेगी? है? दुनिया क्या मानेगी? क्या मानती है? जो प्रैक्टिकल करके दिखावे उसको मानेगी। ब्रह्म कुमारियां शास्त्रों को नहीं मानती है तो गीता का भगवान की बात क्यों उठाती है? फिर गीता की भगवान की बात क्यों उठाते हैं? गीता की बात ही मत उठाओ। गीता मुख्य शास्त्र है। जब गीता मुख्य शास्त्र है तो उसका भगवान भी क्लियर होना चाहिए। कैसी बात बोलते हैं? शास्त्र सब झूठे हैं। शास्त्र सब झूठे हैं तो फिर ये ऐसा मुरली में क्यों आता है कि विद्वान आचार्य कहते हैं कि अगर ब्रह्मा भी उतर आए, भगवान भी उतर आए तो भी हम शास्त्रों को नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे? ऐसे कहते हैं शास्त्रों को नहीं मानेंगे? वो कहते हैं नहीं, भगवान भी उतर आए तो भी हम भगवान को नहीं मानेंगे। कब तक नहीं मानेंगे? जब तक शास्त्रों से टैली नहीं हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं मैं आकर के शास्त्रों का सार समझाता हूं, नहीं तो शास्त्रों का सार समझाने की दरकार क्या है? भगवान भी आकर के शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो शास्त्रों में सार है या नहीं है? है। और सार है वो ही सत्य है। सत्य को ही सार कहा जाता है, विस्तार को भक्ति कहा जाता है। अगर बार बार कहते हैं ना कि आटे में नमक देता है, तो नमक को उठाओ ना, नमक आटे में डालो ना। शास्त्रों में जो सार है उसको उठाओ ना। इतनी बड़ी दुनिया 500-700 करोड़ की है, उसमें वो एक सार कहाँ है? वो उठाओ ना। एक सार को उठा लिया
तो जैसे गीता ज्ञान दाता को उठा लिया। और बाबा वो बेसिक वाले जो है ना वो पीके बहने हैं जो मैदान में, जैसे आड़वत में जो माता है अभी तक आगे नहीं आ रही, तब कुछ मजा आएगा मैदान में उतर देंगे। माताएं मैदान में आते ही नहीं आते, हम लोग पुरुष लोग तो आगे जाएंगे तो पीछे वाले फिर मारपीट की बात करेंगे, माताओं को आगे आगे खाना चाहिए तो वो आते ही नहीं। हाँ तो माताओं को आगे बढ़ाओगे तभी तो आगे जाएंगे, मारपीट करते होगे तो कहाँ से आगे जाएंगे। उनको तो मारपीट मारपीट करके घर में दाब के रखते हैं, बाहर नहीं निकलना, कोई उठा ले जाएगा, हमको घाटा आ जाएगा। कोशिश करेंगे तो आ जाएंगे। अरे किसने मना किया? जैसे कहते हैं कि हमने तो गीता की बात बाजू में की है, गीता को बाजू में रखा है, बाबा ने बाजू में रखा है या गीता का पॉइंट सबसे आगे रखा है? नहीं नहीं, जैसे ब्राह्मण की दुनिया में बेसिक में बाबा ने जो ज्ञान सुनाया उस ज्ञान में गीता के भगवान की बात मुख्य रखी है या बाजू में रखी है? मुख्य गीता की भगवान साबित करो। लेकिन अभी उनका ये कहना है कि आप गीता की बात कर रहे हो, मतलब सांप्रदायिक बात बढ़ा रहे हो। ये कोई संप्रदायवाद है? दुनिया में सर्वोपरि ज्ञान का ग्रंथ कौन सा है? कोई भी धर्म वाले से जाके पूछ लो। ये संप्रदाय है गीता। गीता को संप्रदाय बता दिया। ये मठपंथ संप्रदाय तो बाद में निकलते हैं या पुराने हैं? गीता तो सबसे जास्ती पुरानी है। ये मठपंथ संप्रदाय तो बाद में निकलने वाली चीज है, इसको मठपंथ संप्रदाय नहीं कहना चाहिए। बोलो कहते कौन? तो उनके मुंह पकड़ना चाहिए कि ये ग्रंथ ये मठपंथ संप्रदाय की बात है गीता, ये बाद में निकला है क्या? मठपंथ संप्रदाय बाद में निकले हैं या पुराने हैं? फिर गीता को तुम कैसे मठपंथ संप्रदाय की स्टेज में उसमें डाल देते हो? वो टीकाओं के आधार के ऊपर क्या गीता का जो खंडन हुआ है? गीता की टीकाओं की बात नहीं हो रही, यहाँ गीता की बात हो रही है। और फिर ये भी समझने की बात है, जब सब मठपंथ संप्रदाय और धर्म वालों ने गीता की अपने तरीके से टीका कर दी, व्याख्या कर दी, तो फिर गीता की व्याख्या तुम नहीं कर सकते हो। जबकि ये भी कहते हो कि यज्ञ के आदि में गीता ही बैठ करके सुनाई जाती थी, तो यज्ञ के आदि में जो ज्ञान सुनाया जाता था वो सतो प्रधान था या मध्य में सुनाया जाने वाला सतो प्रधान होता है? आदि वाला सतो प्रधान था। आदि में जो गीता सुनाई गई है, जो आदि में सो अंत में, वही अंत में गीता ज्ञान फिर प्रत्यक्ष होगा। हम बैनर बांध रहे थे, जब बैनर बांध रहे थे हम तो लौकिक वाले मतलब आ गए थे 10-5 लोग, तो उन लोगों ने पूछा कि गीता तो हिंदू समाज में सब लोग पढ़ते हैं, और ये बात जो है आप सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों से ही क्यों पूछ रहे हैं? ब्रह्मा कुमारी आपसे क्या क्या बताएंगी? वो बात तो आपको जो गीता पाठी, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ही ये बात उठाती है गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, उनको बताओ। तुमको बताना तो बड़ा सहज है, इनको देखो ये किताब छपी हुई है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। तो उन्होंने ये पूछा कि गीता ब्रह्मा कुमारियों से पूछने के बजाय अगर आम पब्लिक से आप पूछो, हिंदू समाज से आप पूछो। आम पब्लिक से नहीं पूछेंगे, आम पब्लिक ने ये एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला है, ये किताबें नहीं छपाई है गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, ये बात किसने उखाड़ी? हाँ ब्रह्मा कुमारियों ने ये बात उखाड़ी है। बाबा गीता को जो मूल गीता है वो तो समाज से ही आई हुई है ना? हैं? समाज से ही आई हुई है गीता। हाँ हाँ, हिंदू समाज कोई पुराना थोड़ा ही है, सनातन धर्म पुराना है न कि हिंदू समाज पुराना है। और उसकी व्याख्या जो है सारे धर्म के लोगों ने अपने अपने तरीके से किया है। तो ब्रह्मा कुमारी अपने तरीके से करके दिखा दे,
तो ये बात ब्रह्मा कुमारियों से ही आपको पूछ रहे हो, वो लोग पूछ रहे हैं। ब्रह्मा कुमारियों से इसीलिए पूछ रहे हैं कि ये बात आज तक दुनिया में किसी ने नहीं उठाई, क्या कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है। तो जिनकी बुद्धि में आएगा उन्हीं से तो पूछेंगे, तुम तो सब लठ बुद्धि हो। बात ही तुम्हारी, तुमने अभी तक ये बात पकड़ी ही नहीं, ये बात पकड़ने योग्य है कि जब गीता में ही 20 श्लोक ऐसे आए हुए हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि मैं निराकार हूं, अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं, तो ये कृष्ण को कैसे कह दिया अभोक्ता हूं, अजन्मा हूं, अकर्ता हूं। फिर पूछते हैं कि अगर अगर आप उनसे पूछते हैं, हाँ? आप पूछते हैं, आप कौन है पूछने वाले उनसे? हम ब्रह्मा कुमार थे, हम खुद ब्रह्मा कुमार थे, इसलिए पूछते हैं। हमने समझा है ब्रह्मा की वाणी को, इसलिए हम पूछते हैं। आप ब्रह्मा कुमार नहीं थे, आप ब्रह्मा कुमार होते तो आप भी पूछते, आपकी समझ में आ जाती तो ब्रह्मा की वाणी। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है। और बोलते हैं कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, आ गई है, जो बैनर बांध रहा है, हाँ? उसको अगर ये बात समझ में आ गई है, आ गई है, तो उनको पूछने के पहले आप खुद बताओ इस बात को पब्लिक में। हम दो आदमी हैं, हम मुट्ठी भर हैं, और वो ब्रह्मा की वाणी को सुनने वाले हजारों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में है। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले जो भारतवासी हैं हजारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, वो भारतवासी आवाज उठाए, वो असली हैं ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा की जो आश्रम है स्थापन किए हुए परिवार, वो सारी दुनिया में फैले हुए हैं और भारत के गांव-गांव में फैले हुए हैं। आप पहले ये बात मानिए कि ब्रह्मा इस सृष्टि पर आ चुका है और ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकल चुकी है। अगर आप इस बात को नहीं समझते तो आप बीच में इंटरफियर मत करिए। हम प्रूफ दे रहे हैं कि नई सृष्टि रचने के लिए ब्रह्मा इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में आया हुआ है, अपना काम करके चला गया, सूक्ष्म शरीर से अभी भी विराजमान है। आपकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी है, इसलिए अब आपसे पूछना बेकार है। इसलिए जिनकी सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की और करोड़ों ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठा हुआ है ये ज्ञान कि ब्रह्मा आ चुका है, हम उन्हीं की बुद्धि को कुरे देना। दुनिया वाले जल्दी समझेंगे या ब्रह्मा के बच्चे जल्दी समझेंगे? बाबा, क्या ये बात मान लिया जाए कि जो स्थूल वेद गीता पाठी हैं, जो स्थूल गीता है जो समाज में चल रही है, उस गीता को जो पढ़ रहे हैं उनकी अपेक्षा ब्रह्मा कुमारी के लोग इस ज्ञान को ज्यादा, मतलब ज्यादा समझेंगे या वे समझेंगे ज्यादा? दुनिया जो गीता पढ़ रही है वो गीता भगवान की लिखी हुई है या विकारी मनुष्यों की लिखी हुई है? भगवान जब आता है, धर्म पिता जब आता है, तो मुख से डायरेक्ट गीता ज्ञान उच्चारता है या कि पुस्तक बैठ लिखता है? हजारों वर्षों के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद पुस्तक लिखी जाती है। आज भी मुरली में यही बात आई, जिस गीता को आधार बनाया है हमने, किसने? ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमारियों ने जिस गीता को आधार बनाया हुआ है, उस गीता की रहस्य को वो समझ नहीं रही है, क्योंकि गीता का आधार स्वयं भगवान है। सभी शास्त्रों में शिरोमणि गीता को ही बताया गया है, ना कि ब्रह्मा के द्वारा उच्चारण किए हुए जो मुरली महावाक्य आए हुए हैं इसको नहीं बताया गया। गीता जो है, गीता में जो महावाक्य आए हुए हैं, जो भी ज्ञान आया हुआ है, वो वेदों से भी पहले का है। हाँ जी, भगवान पहले की सुनाता है या ब्रह्मा पहले सुनाता है? ब्रह्मा ने अगर पहले सुनाया है तो क्या लोगों की समझ में आ जाता है?
आज जो वेद पढ़े जा रहे हैं, क्या इसमें कोई आदमी बैठा हुआ है जो वेदों के श्लोकों का अर्थ बैठ करके समझाए हमें? है कोई? कंठस्थ कर लिया लोगों। फिर वही बात, वेद कहाँ कंठस्थ कर दिए? कंठ उस चीज को किया जाता है जिसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार और बहुत ज्यादा शोहरत होती है। वेद को कोई कंठस्थ नहीं करता, थोड़े से ब्राह्मणों को छोड़ करके जो पैसा कमाने वाले हैं। गीता को कंठस्थ किया जाता है। वेद की जो वाक्य है बाबा है, वो गीता के महावाक्यों से मिलते जुलते हैं। हाँ जी हाँ जी, मिलते जुलते तब है जब आपने उन वाक्यों को समझ लिया है, टैली कर लिया है भगवान के महावाक्यों से। नहीं तो कहीं कहीं से कहीं का रोड़ा है वेदों में। जैसे हम मुरलियों के लिए कहते थे कि बाबा कहीं खेत की बात करते हैं, कहीं खलिहान की बात करते हैं, ऐसी लगती है भगवान की वाणी जो ब्रह्मा मुख से उच्चारण हुई है। ऐसे ही वेद हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा, वो कुछ ही को समझ में नहीं आते हैं। बाबा वो गीता जो है संस्कृत में है, बाबा ने जो पाठ चलाई है वो हिंदी में चलाई है, तो हिंदी को समझना आसान है संस्कृत की अपेक्षा? संस्कृत की गीता जो है वो उन्हीं लोगों के द्वारा लिखी गई है जिन्होंने भगवान से डायरेक्ट ज्ञान लिया था, जिसे हम व्यास भगवान कहते हैं। वो व्यास भगवान कोई दूसरा नहीं है, वही रामकृष्ण की आत्माएं व्यास के रूप में गद्दी पर बैठती हैं और गीता लिखती हैं। लेकिन द्वापर युग में भगवान का रूप किसी को याद नहीं रहता, ये सारा लोढ़ा हो जाता है, इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो 8-10 प्रश्न जो हमारे हैं अभी, ये ब्रह्मा कुमारियों से ही इसका जवाब आना है? बिल्कुल आना है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में बैठेगा तब दुनिया भी समझेगी। आप दुनिया के इतने बड़े हुजूम को नहीं समझा सकेंगे, आप तो मुट्ठी भर हैं। लेकिन दुनिया के लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां जो है दुनिया में इसी ज्ञान का खंडन करती है। किस ज्ञान का? हम इसी बात को उनसे मनवाने वाले हैं, ब्रह्मा कुमारियों से कहलवाने वाले हैं कि शास्त्र झूठे नहीं हैं, शास्त्रों में सार है और वही सार भगवान सुनाता है गीता के रूप में। वो संस्कृत की गीता के रूप में नहीं सुनाता है जैसे और धर्म पिताओं ने आकर के डायरेक्ट उच्चारण किया है, बाइबल और कुरान के रूप में उच्चारण नहीं किया है। ऐसे ही भगवान आकर के डायरेक्ट गीता ज्ञान सुनाता है हिंदी में। हिंदी भाषा प्रचलित होती है संसार में कलयुग के अंत में, और भगवान भारत में आता है, भारत का नाम ही हिंदुस्तान पड़ जाता है हिंदी भाषा के आधार पर। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिस भाषा में दुनिया के सारे शब्दों को समावेश कर दिया, इसलिए भगवान आकर के हिंदी में बोलता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो दुनिया की सबसे सहज और सरल भाषाओं में से है, दुनिया का हर व्यक्ति हिंदी जल्दी सीख सकता है। तो गीता की जो व्याख्या हुई है अभी, वो खाली ब्रह्मा कुमारी और एडवांस के बीच में ही ये व्याख्या का तोड़ मरोड़ किया जाना है? बिल्कुल तोड़ मरोड़ किया जाना है। अगर इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, वो मानने वाले नहीं हो। वो तो कह देते हैं ये तो तुम्हारी अपनी बनाई हुई मुरली है, तुम्हारी अपनी छपाई हुई मुरली है, अब इसका क्या जवाब देंगे? उनके पास जो मुरली है उसमें बताया ना, एडवांस पार्टी तुम्हारी पार्टी में है, एडवांस पार्टी में जिक्र किया था, वो बोलेंगे हमारे मुरली आपके पास जो मुरली है उसमें लिखा हुआ है, तारीख के साथ बाबा ने सब बताया ना पहले, एडवांस पार्टी का जोर जोर से तारीख चल रहा है तुम्हारे से। हाँ बहुत सारे पॉइंट वो कहाँ मानते हैं एडवांस पार्टी, वो तो कहते हैं एडवांस पार्टी ऊपर है। अब धीरे धीरे समझ में आएगा ऊपर नहीं है। तो इस बात को लेकर के ब्रह्मा कुमारी जो है कोर्ट में भी जा सकते हैं? जाए ना, हम डरते हैं क्या? हम तो चाहते हैं कल जाते हैं तो आज चले जाएं। जो आगे आगे जाता है उसका ज्यादा खर्चा होता है,
या जो पीछे पीछे कोर्ट में जाता है उसका ज्यादा खर्चा होता है। परसों जो है हमको एक दो दिन मिले थे शर्मा कुमार लोग, हाँ? वो कहते हैं कि आप अगर इस बात को लेकर के हंगामा मचाएंगे आप, हाँ? तो इस बात का फैसला दुनिया में तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ? सारा वो हम जानते हैं ना, तभी तो हम उंगली लगा रहे हैं। तो हमें नया बता रहे हो क्या? और कोर्ट से, कोर्ट में भी इस बात का कोई नॉलेज नहीं है किसी को। नहीं नॉलेज है तो नॉलेज दो। जो जो कोर्ट फैसला देगा क्या उसको आप और हम मानने वाले हैं? मानना पड़ेगा, अपना कोर्ट तो एक ऐसी जगह है जहाँ सब लोग मानते हैं, वो तो मानना पड़ेगा। अगर इस कोर्ट ने फैसला नहीं माना तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। आगे जाओ बढ़ो, तो क्या कोई कमजोर हो क्या? जब कहते हमने तन मन धन लगाया हुआ है, ब्रह्मा कुमारियां तन मन धन खींचने वाली है, तो लगाओ। हाँ, दोनों ने यही बोला, हाँ? कि जो पैसा हमने वहाँ पे खर्चा किया है, हाँ? जो संस्था को हम लोग लेकर चल रहे हैं, हाँ? उस संस्था के ऊपर आपका डायरेक्ट आक्षेप है, हाँ? मैं बोला आक्षेप इसीलिए है कि आप लोग कुछ करो इसमें, हाँ? संशोधन करो इसमें, हाँ? हमारी जो बातें हैं इस बात का जवाब आप चाहे कोर्ट में दो, हाँ? चाहे हमारे बीच में बैठ के बात करो, तो? वो लोग हमारे से बात करने को तैयार नहीं होते, हमारे से बात करने को इस मुद्दे पे तैयार नहीं होते। तो कोई बात नहीं, बोर्ड छपते रहेंगे, पर्चियां छपती रहेंगी, स्टिकर लगते रहेंगे, अखबारों में पढ़ती रहेगी, एक दिन अखबार वाले भी जान जाएंगे। तो हमने बोला जब आप हमारे से बात नहीं करोगे, मैं बोला हम चाहते हैं कि आप एक मीटिंग रखो और इस बात पे आप उनसे बात करो। जिसके पास नोट की गड्डियां हैं हजार हजार की, वो तुमसे बात क्यों करेगा? चल दिए वहां से सड़क के भिख मांगे, तुम तो आकर के हमसे भीख मांगो, समझे? लड़ाई तुम लड़ने काबिल नहीं हो, हम तुम्हें जेल में डलवा देंगे। यही वो बोलते हैं, समझ जाओ इस बात को। है? अब पता चलेगा कि कौन कौन जेल में जाने के लिए तैयार है और कौन कौन बड़ी मम्मी की तरह भाग जाने वाले हैं। ये बात बाबा हम बैनर लगा रहे थे वहीं पे उनके सामने जो है चेंबूर में, यहीं पे सामने जो है उनका वो मधुमारी का आश्रम, हाँ? तो हमको ये बता रहे था कि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो जब हम लगा रहे थे तो लगा के हम जैसे ही निकलने ही वाले थे वहाँ से, तब तक जो है चार पाँच आ गए वहाँ पे, तो कहने लगे कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं बोला हमने कुछ हमारी बातें हैं वो हमने यहाँ पे लगाई चुकाई है। अगर इनसे जवाब दो, देना चाहते तो दो, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ठीक है बता देना आपको, हाँ? हमारा फोन नंबर लिखा हुआ है इसमें, हाँ? कोई जल्दी नहीं है हमको, हाँ? आप आराम से बताना हमको, लेकिन बता देना, हाँ? तो बोलते हैं कि ये आप हमारे ऊपर प्रेशर क्यों डालते हैं? हम नहीं डालेंगे, हम कहा तुम्हारे ऊपर, मत पढ़ो इसे, तो आप आंखें बंद करके चले जाओ, हम कहा मना कर रहे हैं? वो कहते हैं कि आम पब्लिक हमको परेशान कर रही है। आम पब्लिक तुम्हारे ऊपर, घर के जो बैठे हुए बच्चे हैं वो परेशान कर रहे हैं, तब मजा आए, इनको तुम बेवकूफ बना बना करके पैसे असर रहे हो। वो इस तरह की बातें तो हो गई, रात ही गई, डेढ़ बज गया। घबरा गए क्या? नहीं घबरा नहीं, घबरा नहीं है ना? कहने का मतलब ये है कि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। उनके पास जवाब कहाँ से आएगा जब तुम्हारे पास ही जवाब नहीं निकल रहा है? तुम बैठ करके बाबा से पूछ रहे हो, बाबा ये तो नई बात निकली है, हमें इस बात का जवाब दो। बाबा ने तो हमें बहुत दिनों से पढ़ाया ये बात है। ये नई बात निकली है, जब से एडवांस ज्ञान निकला है तब से यही बातें चल रही है। अभी प्रश्न निकल पड़े, परीक्षा आ गई, तो बस अब हम बैठ के समझाओ। अब तो मुकाबला का समय है बाबा, मुकाबला का समय ऐसा आ गया है कि जैसे वो हमसे पूछे, हमारे पास जो कुछ भी है जैसे भी उनको मन पड़ता है समझाना, वो उनको बताना है, बताना ही पड़ेगा। और ये नहीं देखना है अभी हमको कि कैसे हमको समझाना है, जैसे भी जिस तरीके से वो आते हैं हमारे सामने उसी तरीके से हमको बताना है, क्योंकि हमने दो घंटे जो उनके साथ बिताए उस दिन, उस दिन हमारे पास जो भी कुछ था हमने इस कदर उनको ये कर दिया कि मतलब वो लोग चुप होके चले गए। बाबा सहज सहज है अमृत वेले का पुरुषार्थ नहीं करोगे तो बाबा को कुछ तो उंगली लगानी पड़ेगी। सही बात। बाबा, हाँ? बाबा मुंगलियों में कहते हैं ये मेरा मुकर्रर रथ है, हाँ? और ये मेरा टेम्पररी रथ है, हाँ? तो मुकर्रर रथ के बारे में जरा विस्तार, मुकर्रर रथ के बारे में जरा विस्तार कर दीजिए, वही तो बताया है।
पहला प्रश्न क्या है उसमें? भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो मुकर्रर एक व्यापी कहाँ है? कोई तुम बैठ करके घुमा के नाक ऐसे पकड़ लो और चाहे नाक सीधी पकड़ो। बोला ना घुमा फिरा के पूछो, घुमा फिरा के पूछो, जो बेवकूफ बना के पूछ लो। भगवान तो भोला वाला होगा, भगवान के बच्चे भी भोले वाले हैं, लेकिन इतना बेवकूफ थोड़े ही सीधी सीधी बात सामने रख भाई, कैसे कैसे समझ में आ जाएगी। बाबा को तो बुद्धिमानों की बुद्धि बताया है। हाँ, बाबा तो तुम्हारी बुद्धि है, वो तो हमारे मन की सारी बातें जो है जैसे हम बोलना चाहते हैं वो सारी बात समझ लेते हैं। वो तो ऊपर वाला है या नीचे वाला है? अरे वो अंतर्यामी एक एक के घट की जानने वाला, वो ऊपर वाला है या नीचे वाला? वो तो ज्वाइंट है ना बाबा। अरे ज्वाइंट है, ज्वाइंट है, लेकिन आत्माएं दो है या एक है? आत्माएं तो भाई ऊपर वाली जो आत्मा है वो अंतर्यामी है, नीचे वाली आत्मा को तुम अपना दिल जो खोल के रखोगे सो ही जानेगी ना। भगवान संबल ग्राम में आते हैं तो काशी को आगे क्यों रखते हैं? संबल ग्राम को आगे क्यों रखते हैं? संबल माने क्या होता है? संबल माने आधार। क्या? संबल माने आधार। आधार का मतलब है ये रूमाल है और इसका ये आधार है हथेली। तो भगवान कहाँ आते हैं? हैं? भगवान जहाँ आते हैं वो आधार ग्राम कौन सा है? नाम क्या दिया भक्ति मार्ग में? वाराणसी। वाराणसी का अर्थ ये है जहाँ ज्ञान का रस बना है, वो बनारस। अब वास्तव में ज्ञान का रस कहाँ बना है? ज्ञान अलग बात और उसका रस निचोड़ के निकाला जाए वो अलग बात। तो कहाँ बना है ज्ञान का रस? अरे वाह भैया, ज्ञान का रस कहाँ बना वो पता ही नहीं। वो कहाँ है बनारस? जहाँ बेहद ज्ञान का रस बना वही बनारस हो गया, वहीं से काशी निकलती है। उन्होंने हद की काशी बना दी है और यहाँ तो सारी बेहद की बातें हैं।